हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारे आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक आउटडोर का फोटो एडिटिंग दिखाने वाला हूं। और यहां पे जो पोज है वो आप लोगों को तो वीडियो के स्टार्टिंग पे दिखा दिया हूं। तो वहां से वो जो पोज पे मैंने फोटो लिया था वो वाला पोज पे आपको फोटोशूट करना है। और उसके बाद जो बैकग्राउंड आप मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे बहुत सारा जो बैकग्राउंड है HD बैकग्राउंड वहां पे मैं डालता रहता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर एक बार लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले आपको जो जो स्टेप्स दिखाऊंगा उसको आपको अच्छे से फॉलो कर लेना होगा, और उसके बाद आप भी इस तरह का एडिटिंग आसानी से कर पाओगे। तो वीडियो पे सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि ये वाला बैकग्राउंड का एडिटिंग वगैरह। तो सिंपली सबसे पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा मैं फोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो देख सकते हैं मेन फोटो ये है और बैकग्राउंड ये है। सबसे पहले बैकग्राउंड आप चाहो तो कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन मैं सबसे पहले एक चीज़ दिखा देता हूं, इसका इमेज साइज चेक कर देता हूं। तो यहां पे इमेज साइज पे जाऊंगा, यहां पे 300 रेजोल्यूशन है, वाइट एंड हाइट जो है वो बहुत ही अच्छा से यहां पे किया हुआ है। तो मैं इसका मेन फोटो का इमेज साइज भी चेक कर लूंगा तो अच्छा है, लेकिन मैं यहां पे 300 रेजोल्यूशन करूंगा और इधर से मैं 3000 कर लूंगा वाइट एंड हाइट को। यहां पे ओके कर दिया तो ये तो मैनेज हो चुकी है। सिंपली आप मूव टूल को सिलेक्ट करते हुए मेन फोटो को मेरे बैकग्राउंड के जो फोटो का बैकग्राउंड है उसके ऊपर एक बार ड्रॉप कर दिया, और इसका रिसाइजिंग वगैरह कर लूंगा। लेकिन उससे पहले और एक काम करता हूँ, कुछ इतना तक ले आने के बाद मैं सिंपली इसको मिडिल पे लाऊंगा और यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क टूल से मैं साइड को सबसे पहले डिलीट कर दूंगा। कुछ इतना तक सिलेक्ट किया और इधर डिलीट बटन प्रेस किया, इस साइड डिलीट हो गया। मेन फोटो का कोई छेड़खाड़ी हो जाना नहीं चाहिए, डिलीट किया और फिर नीचे वाला हिस्सा भी थोड़ी सी डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल डी दबाता हूँ तो डी सिलेक्ट हो गया। अब सिंपली मूव टूल सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से एडजस्टमेंट वगैरह मतलब रिसाइज वगैरह बाद में कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह रख दूंगा। अब मैं पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ करूंगा बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि मेरा जो कटिंग प्रोसेस है आप लोगों को तो पता ही होगा। तो इसको सिंपली आप भी थोड़ा सा टाइम दे के कटिंग कर लेना, और कर लेने के बाद आप भी जो जो स्टेप्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग फॉलो करते रहना। तो देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया पूरा। सिंपली सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या होगा, इसके ऊपर एक बार राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे फेदर ऑप्शन मिल जाएगा, फेदर पे क्लिक करना होगा। और इधर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अगर आप फेदर अगर 2 से 3 तक आप डाल देते हो तो एजेस जो है फोटो का जो कटिंग करने के बाद मिलेगा उस एजेस थोड़ी सी ब्लार रहेगा, तो अच्छा सा एक आउटपुट मिलेगा और वहाँ पे अच्छे से लगेगा, मतलब एक रियलिस्टिक लगेगा। तो सिंपली यहाँ पे 3 डालना है आपको, 3 यहाँ पे डाल देने के बाद ओके कर देना है, उसके बाद फेदर 3 ऐड हो जाएगा। अब सिंपली आपको कीबोर्ड के ऊपर जो डिलीट बटन है सिंपली उसको प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद देख सकते हैं ऑटोमेटिक गॉन हो चुकी है इसका बैकग्राउंड। मैं यहाँ पे सिंपल से कंट्रोल डी दबा दूंगा तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मूव टूल को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मेरे को इसको रिसाइज करना है। तो मैं सबसे पहले क्या देख लूंगा, इधर जो मेन फोटो का जो मेरे इसका जो पैर है, पैर यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं यहाँ पे कनेक्ट हुआ है मेन जो इधर के साथ, तो सिंपली इसको भी देख लूंगा सबसे पहले। देख लेने के बाद इधर देख लूंगा ये वाला जो मेन फोटो का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये बैठा हुआ हिस्सा है, तो सिंपली इसको अच्छे से रिसाइज करना होगा। तो सिंपली मैं इधर से शिफ्ट दबाते हुए थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ फोटो को, और इधर एक बार कुछ इस तरह रख देता हूँ। और इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली देख लेना होगा, इधर भी ठीक ठाक है और उधर भी ठीक ठाक है, और उसके बाद देख सकते हैं मेरा ठीक ठाक लग रहा है। सिंपल अब जो स्टेप्स दिखाऊंगा अब वो शैडोज के लिए है। सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूंगा, एक ये वाला आइकन से एक ब्लैंक लेयर ले लूंगा, सिंपली ब्रश को सिलेक्ट करूंगा और जो फॉरग्राउंड कलर है उसको ब्लैक रखूंगा, और यहां से फ्लो को 10 के आसपास रख देना है मेरे के जैसा। और 10 के आसपास रख देने के बाद आपको सिंपली छोटी कर लेना है, और ये जो बैकग्राउंड हिस्सा है इधर पे थोड़ी सी इस तरह करके आपको ब्रश कर लेना है, और ब्रश कर लेने के बाद अब इधर वाला हिस्सा पे थोड़ी सी इस तरह करके ब्रश कर लेना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ।
आपको इस तरह ब्रश कर लीजिएगा, और इस साइड पे थोड़ी सी और भी मैं भी यहाँ पे ब्रश कर लेता हूँ। ब्रश कर लेने के बाद मेन फोटो के ऊपर क्लिक करना है, और ये मेन फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद उसका नीचे वाला हिस्सा, पैरों के नीचे वाला हिस्सा, और जो यहाँ पे भी हिस्सा, ये भी आपको ब्रश कर लेना है। और कर लेने के बाद मैं छोटा कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं ये मैचिंग हो गया है यहाँ से। अब हो जाने के बाद करना क्या होगा, हो जाने के बाद आपको सिंपली एडजस्टमेंट आइकन पे जाना है, और इधर से एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लेयर ले लेना है। तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना होगा आपको, तो यहाँ पे ब्राइटनेस को मैं 10 के आसपास इंक्रीज करूंगा, कॉन्ट्रास्ट को भी 10 के आसपास इंक्रीज करूंगा, और उसके बाद ओके कर दिया। तो यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट तो इंक्रीज हो चुकी है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो जब इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद आपको एक ही चीज़ करना होगा जो सिंपल है, मेरे इस बैकग्राउंड के साथ मैच होता है। आप कोई सा भी फोटो खींच लो इस तरह का पोज का, अच्छे से एक आउटपुट आएगा। एडजस्टमेंट आइकन पे जाना, यहाँ से कलर बैलेंस एक ले लेना। कलर बैलेंस पे आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको हाइलाइट्स पे जाना होगा। हाइलाइट्स पे सबसे पहले क्यान को आपको -5 के आसपास रख देना है, और उसके बाद -5 सबसे पहले कर देता हूँ। और इधर जो मैजेंटास है, मैजेंटास को भी आपको -5 के आसपास, आप -10 के आसपास रख सकते हो अपने फोटो के मुताबिक। और उसके बाद जो यहाँ पे येलो एंड ब्लू मिल जाएगा, ब्लू को आप ब्लू के साइड पे आपको 10 के आसपास इंक्रीज़ कर देना है। और अब मिड टोन्स पे चली जाइए, मिड टोन्स का जो कैन है, मिड टोन्स का कैन को आपको लगभग रखना है +5 के आसपास। और उसके बाद जो यहाँ पे मैजेंटास मिलेगा, मैजेंटास को आपको -5 के आसपास डिक्रीज कर दीजिएगा। और येलो एंड ब्लू जो मिल जाएगा, ब्लू को आपको 10 के आसपास इंक्रीज़ कर देना है। अब आप चली जाइए शैडोज़ के ऊपर, और शैडोज़ का जो कैन है इसको आपको डिक्रीज़ करना है लगभग -10 के आसपास। और यहाँ से जो मैजेंटास मिलेगा आपको, मैजेंटास को भी डिक्रीज़ करना है -5 के आसपास। और यहाँ पे जो योलो मिलेगा उसको इंक्रीज़ करना होगा लगभग +15 के आसपास। अब मैं ओके कर देता हूँ, और ओके कर देने के बाद देख सकते हैं मेरे को आउटपुट किस तरह का मिला है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चेंजेस हुआ है, और बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ से एक आप सिलेक्टिव कलर ले सकते हो, और सिलेक्टिव कलर लेके आप यहाँ से कैन वगैरह आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर कैन इंक्रीज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैजेंटास को भी मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ +2 के आसपास, और यहाँ से योलो जो है, योलो को मैं इंक्रीज़ कर लूँगा 10 के आसपास। इसका जो ब्लैक्स मिल जाएगा वो लगभग 10 के आसपास इंक्रीज़ करके अगर ओके कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे लुक मेरे को मिल रहा है। आप चाहो तो अपने फोटो का स्क्रीन रिटचिंग भी कर सकते हो, अगर फोटो का डेप्थ अच्छा हुआ तो स्क्रीन रिटचिंग रियलिस्टिक लगेगा। मेरा यहाँ पे स्क्रीन रिटचिंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फोटो उतना मतलब हाई क्वालिटी का नहीं है। तो देख सकते हो कितना आउटपुट मिला। मैं दोनों फोटो को दो साइड पे रख के आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। आप दो फोटो देख सकते हैं, मैं दोनों फोटो को दो साइड पे रखा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह का मेरे को चेंजेस हुआ है। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ है तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नए कोई एक एडिटिंग के साथ, नए कोई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।